नमस्कार मैम, केमिस्ट्री ऑनलाइन नमो में आपका स्वागत करता हूँ। जस्टिस रंजन गोगोई आज ट्रेन पे चल रहे हैं। ट्रेन पे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये जस्टिस होने की वजह से ट्रेन पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके नाते यह ट्रेन पे चल रहे हैं। सभी लोग राम मंदिर से ज़्यादा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में सर्च कर रहा है और जानना चाह रहा है कि आखिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई है कौन। तो हमने भी काफ़ी लोगों ने हमारे पास कॉल्स आए, लोग जानना चाह रहे थे चीफ जस्टिस कौन है। आखिर में जो मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ, ये वीडियो मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ें आपको सामने आएंगी जिससे आपको लगेगा कि वाकई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बने, ये क्या बने और कैसे एक कांग्रेसी हैं। पूरी तरह से कांग्रेसी कैसे कहेंगे, एक नाम हम कहेंगे, आप गूगल पे सर्च करें। चलिए एक काम करते हैं, पहले थोड़ी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं, पूरी खबर बताऊंगा। उससे पहले मैं हमारा एक पेटीएम नंबर आपको हमारे लैपटॉप के सामने नज़र आ रहा था, पेटीएम नंबर 9161750097 है। इस पेटीएम नंबर पे आप हमें कोई भी सहयोग राशि भेज सकते हैं, हम आपके अगर आभारी होंगे। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे हमारी खबरें आप तक पहुँचती रहें। अब मैं आपको सीधे पॉइंट पर आता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने आज एक फैसला सुनाया जिसमें कहा है कि 3 महीने बाद हम मंदिर पे सुनवाई होगी, यानी सब कुछ मोदी सरकार पे छोड़ दिया जाए। चलिए इनको एक पॉइंट को इनको किनारे रखते हैं, अब राम मंदिर को किनारे रखते हैं, क्योंकि जो करना था इन्होंने तो कर ही लिया है। अब इस पर हम बहस करके, क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है इनकी कुछ मुश्किलें रही हों, कुछ चीज़ें ऐसी रही हों जिससे इन्होंने ये फैसला लिया, कुछ कानूनी पछड़े रहे हों, उसमें इन्होंने 3 मिनट में यह फैसला ले लिया कि साहब अब राम मंदिर की सुनवाई जनवरी में होगी। तो इनको किनारे रख के हम सीधा बढ़ते हैं। एक अगर आपके पास आप लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल अगर यूज करते हैं तो एक नाम आप उसमें सर्च करेगा, वो नाम होगा, एक सेकंड आप मैं उसको नाम को बताता हूँ, केशव चंद्र करके होगा, केशव चंद्र गोगोई। एक नाम सर्च करिएगा आप गूगल पे, जैसे आप सर्च करेंगे वैसे आप को विकिपीडिया आएगा, उस पर एक तुरंत चेहरा आएगा, उस पर लिखा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब राहुल गांधी की पार्टी। ये केशव चंद्र गोगोई, आप कहेंगे केशव चंद्र गोगोई की बात आप क्यों करने लगे, आप तो यहाँ बात हो रही थी जस्टिस रंजन गोगोई की। केशव चंद्र गोगोई हमारे साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके पिताजी थे, इनके पापा थे, उनके पापा कांग्रेस में कांग्रेसी नेता थे और 2 महीने तक असम के मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की सरकार में सन 1982 में। सन 1982 में इन्होंने ये मुख्यमंत्री बने थे। टीबुरगढ़ विधानसभा की सीट पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं केशव चंद्र जी। 5 अगस्त 1998 में इनका निधन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद वरिष्ठता में सबसे ऊपर नाम जस्टिस रंजन गोगोई का है। गोगोई के रिटायरमेंट की तारीख 17/11/19 है। परंपरा है कि कानून मंत्रालय मौजूद चीफ जस्टिस से अगले चीफ जस्टिस के नाम को सिफारिश में मांगता है। सबसे वरिष्ठ जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा है। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए जस्टिस रंजन गोगोई स्वभाव में यूं तो मृदुभाषी हैं, बहुत मीठा बोलते हैं और मीठा मीठा बोलकर कटाक्ष कर जाते हैं, जो उन्होंने कटाक्ष किया है राम मंदिर पर, मगर बेहद सख्त मिजाज के जज के रूप में पहचाना जाता है। सब मैं पढ़ रहा हूँ कहीं से, उसमें उनके शब्द लिखे, उन शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ। इनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, आरोप नहीं लगे हैं साहब, उसमें प्रूफ है। एक तो राम मंदिर पर आज फैसला आया, दूसरा आया बलात्कार के आरोपी को बचाना। एक बलात्कार का आरोपी था, उसको साहब ने, उसको फांसी हो गई थी। जब मामला इनके पास आता है बलात्कारी का, तो ये क्या करते हैं, उसको फांसी की सजा हटा करके उसको कहते हैं कि उसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे वो, बहुत पहले की बात है।
और दूसरी बात यह है जो हमारे यहाँ चीफ जस्टिस बनने बनाने की प्रक्रिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वह प्रक्रिया साफ नहीं है। अजीब सा लगता है, अजीब विडंबना है साहब, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए सही तौर के सही रूप से कोई हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जिससे हम सही तरीके से माप सके कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही होगा। उसके लिए एक मापदंड बनाए गए हैं, जो मापदंड हैं वरिष्ठता के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। अब साहब एक चीज इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूँ, पहले बताया हूँ आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में प्यून है, प्यून का काम करता आ रहा है आपके ऑफिस में, बहुत अच्छा काम करता है, क्या आप प्यून को चीफ, आप वहाँ का चीफ, अपने ऑफिस का चीफ उसको घोषित करेंगे? प्यून भले है, कर पाएंगे आप? आप तुरंत आपका तलाक से जवाब आएगा, नहीं जी हाँ, हम क्यों करेंगे, प्यून को क्यों हम अपॉइंट करेंगे अपने यहाँ का हेड डायरेक्टर ऑफ कंपनी, नहीं करेंगे आप। तो आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों वरीयता के अनुसार ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है? कहाँ का यह कानून है, कहाँ का यह किस तरह का कानून बनाया गया है, संविधान में किस तरह के, इस तरह के संवैधानिक पीठ को, क्या आपको लगता है भारत का प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, बड़े बड़े पद जिसको आप सिर्फ और सिर्फ वरीयता के अनुसार या किसी इस तरह से आप कह सकते हो? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो भी जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहानी जरूर मैं बताता हूँ, कोई ये साधारण से वकील थे साहब, वकील थे, वकालत करते थे, जज नहीं अपॉइंट हुए थे, जज अलग से अपॉइंट होता है बंदा, और वकील होता है, वकील को जज बना दिया जाए प्रमोट करके, प्रमोटेड बंदे हैं। 18 नवंबर 1954 में जन्मे थे साहब रंजन गोगोई, 1978 में बतौर वकील अपना पंजीकरण कराया, वकील साहब बने थे साहब, वकील साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। 1978 में रंजी पंजीकरण कराया था, 1982 में इनके पप्पा प्रधान मुख्यमंत्री बन गए थे असम के, 4 साल बाद इनके पप्पा बन गए प्रधान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बार बार आ रहा, हो सकता प्रधानमंत्री बना देते इन लोग। 28 फरवरी 2001 को अस्थाई जज बने, वकील पंजीकरण गए, फिर गुवाहाटी में हाई कोर्ट में वकालत करने लगे थे, पप्पा की वजह से ही हाई कोर्ट पहुँचे थे, हाई कोर्ट में वकालत करने लगे, फिर उन्होंने 2001 में अस्थाई जज बने, फिर 9 सितंबर 2010 को इनका ट्रांसफ़र पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में हो, 12 फरवरी 2011 को जस्टिस रंजन गोगोई पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, फिर 23 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए। इनके फैसलों में जो विवादों में हुए, उन दिए गए फैसले क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट की कई पीठों का हिस्सा रहने के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई अहम फैसले दे चुके हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की संपत्ति, शिक्षा व चल रहे मुकदमों का ब्यौरा देने के लिए आदेश देने वाली पीठ में रंजन गोगोई भी शामिल थे। मई 2016 में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत के पीठ ने मुंबई हाई कोर्ट के 2012 के इस आर्डर को निरस्त कर दिया जिसमें कौन बढ़ेगा करोड़पति के शो में अमिताभ बच्चन की कमाई का असेसमेंट पर रोक लगा दी थी। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर का आरोप लगाया था, फिर 2002-2003 में दौरान हुई कमाई पर अमिताभ बच्चन ने 1.66 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया। बच्चन साहब को टैक्स की नोटिस भेजी जाती है लेकिन ये क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। देश के संविधान के बारे में, इसलिए बहुत शांति से देश के संविधान के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह से पहुँचे हैं, और यही जस्टिस गोगोई हैं जो कांग्रेस जब महाभियोग महाभियोग चिल्ला रही थी, सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है, जब कांग्रेस महाभियोग महाभियोग चिल्ला रही थी, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ। अंदर की जो आग है ना, अंदर की आग आज निकली है, जो अब तक अंदर की आग थी जो निकल नहीं पा रही थी, वो भभक के आज बाहर आ गई है।
और वो किसके द्वारा आई है? कांग्रेस के द्वारा। मैं नहीं कहता साहब सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपना बात रख ही देते हैं, दिल में जो होता है निकल ही आता है साहब। और वह दिल में गोगोई साहब के जो था उन्होंने निकाल दिया, लेकिन जनता है साहब, पब्लिक है, आम आदमी है, नहीं समझते वो लोग उसे, तो उनके सामने तो जो सामने दिखता वही समझते हैं, राजनीति नहीं समझते हैं। आप कोर्ट के जज होकर राजनीति करते हैं तो राजनीति कहाँ समझ में आएगी लोगों को? लोग समझते हैं जो हमारे जस्टिस साहब हैं, जस्टिस साहब जस्टिस करेंगे, लेकिन जस्टिस साहब का तो बैकग्राउंड देख करके लगता है कि ये तो कहीं और मामलों में फिलहाल पड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट में इनकम टैक्स कमिश्नर याचिका को खारिज करते हुए अमिताभ बच्चन को राहत दी, बताया था हमने। एक अन्य फैसले में कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस कर्डन को 6 महीने की कैद की सजा हुई, जिसमें असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार NCR बनाने के आदेश वाली पीठ में रह चुके हैं। कन्हैया कुमार मामले में SIT के गठन के आदेश से जहाँ इनकार किया था, वहीं जाटों के केंद्रीय सेवाओं के OBC के दायरे से बाहर वाली पीठ में भी शामिल है। कन्हैया कुमार आपको पता है भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी का नारे लगाने वाला JNU का बंदा। इस बंदे से कहा गया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनसे कहा गया साहब SIT के गठन होगा, इन्होंने साफ मना कर दिया नहीं SIT का गठन नहीं होगा, क्योंकि हम तो कांग्रेस से हैं साहब, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कानून ही बनाया था कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना ही बनना है, हम मर जाएं लेकिन हमारी जो कानून है वह तो जरूर वह कानून नहीं बदलेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए बैठे हैं और कानून में इनका जो फैसले रहे हैं उसमें कितना तरह से आप, मैं इसलिए ये जो कहानी को मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं बोर कर रहा हूँ, शांति से समझिएगा, मैं शांति से समझा रहा हूँ इसलिए, मैं क्योंकि मैं भी बहुत कूल होकर समझना चाह रहा हूँ कि आखिर राजनीति और कोर्ट का, जजों का क्या मतलब इस तरह से एक दूसरे से मिक्सअप किया जा सकता है। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा यहाँ आपको बताना नहीं, मेरा आपसे डिस्कशन करना है कि कमेंट बॉक्स में आप डिस्कशन हमसे कर सकते हैं कि क्या आखिर इस तरह से आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के भी राजनीतिक प्रेरित, राजनीति से प्रेरित हो सकता है? मैं नहीं कहता हूँ प्रेरित हैं, हम आप बात कर सकते हैं, बात करने में क्या जाता साहब, बात करने में बहुत कुछ अच्छी बातें बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी हो जाती हैं, बुरी तो नहीं होती हैं, अच्छी होती हैं, तो यहाँ पे अच्छी बातें होंगे। और बहुत सारे इनके ऊपर हमने सवाल आपको बताए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बलात्कार के बहुत चर्चित केस में निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, मैंने बताया जैसा, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने आरोपी को फांसी के फंदे से पहुंचने से रोक दिया था। साहब मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, रिपोर्ट कर रहे हैं साहब, आपका कच्चा चिट्ठा साहब, जस्टिस साहब सब लिखा हुआ है पेपर में, आपके विकिपीडिया कहता है, खबरें कहती हैं साहब, मैं नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। इसमें मेरे पे आरोप लगे कि मैं सपाई हूँ, माफ कीजिएगा सपाई नहीं हो सकता है, मैं भगवावादी हूँ, मैं BJP से हूँ, मैं RSS से हूँ, तो आप कह सकते हैं आपके शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं, हमारे शब्द हम पढ़ के देख रहे हैं। तो जिस तरह से किसी कैदी को उम्र कैद की सजा से, माफ कीजिएगा फांसी से उम्र कैद की सजा तक पहुंचा देना कहां तक जायज है? यह आदेश 15 अक्टूबर 2016 को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्तर पर तीखी आलोचना हुई थी। एक महिला से आरोप, एक महिला के रेप का आरोपी ट्रेन में रेप करता महिला के साथ, उसको जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी, गोगोई साहब को लगता है कि साहब रेप होने चाहिए, रेप से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इन्होंने क्या किया साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको फांसी नहीं देनी चाहिए, इसको तो उम्र कैद होना चाहिए, अगर इनका बस चलता तो हो सकता है इसको छूट देते, कहते कोई बात नहीं, रेप ही तो किया था, हम बैठे हैं यहाँ पे ना कांग्रेसी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी बुनियादी खामियाँ इनके बातों में हैं, और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनके राम मंदिर निर्माण पे रोड़ा बन रहे हैं। और इन्होंने साफ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ साफ, आज फैसले जो हुआ उसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ है राजनीतिकरण इसलिए हुआ है, आखिर जनवरी का ही डेट क्यों आया है? इसका सबसे अहम बात है, जनवरी का डेट इसलिए आया है कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र आएंगे, उसमें सरकार के ऊपर प्रेशर होगा कि वह राम मंदिर के लिए विधेयक लेके आए, और मोदी सरकार को विधेयक लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम राजनीति खेलेंगे, जनवरी से फिर से राजनीति खेली जाएगी कि साहब देखा मोदी साहब
नहीं लेके आया अध्यादेश, और अब देश की कोर्ट इस पे अध्यादेश नहीं ला पाए, तो देश की कोर्ट इस पे कुछ कर रही है, इसका मतलब देश की कोर्ट अब मंदिर नहीं बनवाएगी। चलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, बहुत सारी बातें इसमें मैंने बताई है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत सारी बारीकियों से मैंने बात की है, मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ बातें रखी हैं, आरोप आप लगा सकते हैं। इसके साथ हम वीडियो को खत्म करें, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी खबरें आप तक पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।